हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक और एक स्टॉक मैं कवर कर रहा हूँ आज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ऑल राइट, सो बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टॉक का नाम है हिल्टन। ओके, थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे आते हैं। सो फंडामेंटल्स में यहाँ पे स्टॉक का नाम है हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड, और मार्केट कैप है इसका 192। स्मॉल कैप कंपनी है ये, माइक्रो कैप से जस्ट रोकी हुई। सो स्टॉक पी 34 चल रहा है, बुक वैल्यू 47, बुक वैल्यू से दुगना ये चल रहा है स्टॉक। ओके, 52 वीक हाई और लो 77.9 और 171 रुपीज़ का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ प्रति शेयर का है। आर ओ सी और आर ओ वी की वैल्यू सामने है हमारे। कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, बट नेगेटिव्स क्या है, कंपनी चूंकि प्रॉफिट्स रिपोर्ट करती है रेगुलर बेसिस पे, बट यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है, 27.7% की ही है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.62% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। प्रोमोटर्स ने 3 ईयर्स में अपनी 22.7% की हिस्सेदारी बेची है। अब यहाँ पे अपना माल क्यों छोड़ रहा है प्रमोटर? ये कुछ कंपनी है जो सेम नीच में आती हैं, जो सेम सेक्टर में काम करती हैं। ओके, सेल्स देखें तो सेल्स यहाँ पे लास्ट टाइम से ग्रो की है जून में, बहुत ही स्मॉल से सिग्निफिकेंट से ग्रोथ है। ओके, प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहा है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.73 पिछली बार से बढ़ करके है, आफ्टर टैक्स पिछली बार से 0.02 करोड़ बढ़ के है। ओके, सेल्स यहाँ पे करंट टाइम में इंक्रीज़ हुई है और कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होती जा रही है मार्च 2021 से। ओके, तो कंटिन्यूस 4 ईयर्स में सेल्स हैव बीन बूमिंग। ओके, तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है अभी, प्रीवियस टाइम इट वॉज 7, और करंट में जो टिल डेट जो है वो 7 करोड़ चल रहा है, नेट प्रॉफिट 6 करोड़। शेयर होल्डिंग पार्टनर देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स पास 27.67% की होल्डिंग है। FIS के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है, मार्च तक थी, जून में वो भी उन्होंने खाली कर दिया। पब्लिक के पास 72.34% की होल्डिंग है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे 17,143 हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं चार्ट पे। तो कंटिन्यूस प्रॉफिट्स तो रिपोर्ट कर रही है कंपनी, द थिंग इज दैट कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग कम है। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ट पे क्या बन रहा है। बहुत ही अच्छा हमें रिसेंट टाइम में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है इस स्टॉक में। ओके, बहुत बेहतरीन से डबल बॉटम बनाते हुए ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा रिटर्न दिया। अब यहाँ पे मैं वो लेवल्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि हमें फर्दर नेक्स्ट कहाँ से रैली होने वाली है वो लेवल्स हमें देखना है, किस किस पॉइंट पे हम एक्युमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बहुत ऊपर चले गए अब एंट्री करेंगे तो फंस सकते हैं, समझदार आदमी ये सोचता है, और जो नया आदमी है वो तब एंट्री करता है जब अच्छा खासा ऊपर के मूवमेंट हो जाता है, फिर वो ऊपर आकर के फंस जाता है। सो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अब किस पॉइंट पर हमें एंट्री करना चाहिए, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो उससे पहले मैं कुछ होमवर्क कर लेता हूँ। दो इम्पोर्टेंट जोन्स हैं, मैं उनको मार्क कर लेता हूँ। ऑलराइट, और आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कोर्स के लिए भी एनरोल कीजिए। आई एम अप्लाइंग एंड वेरी सून टू बी ए सेबी रजिस्टर्ड RA ऑल्सो, जस्ट ब्लेस मी फॉर दैट। चलिए मैं जोन को एकदम एग्जैक्टली प्लॉट कर देता हूँ, 51.88 से लेकर के 65.85। सो दिस इज 65.85, एंड दिस इज 51.88। करेक्ट, ओके। और ऊपर जो है, ऊपर एक वो इम्पोर्टेंट जोन है उसको भी मार्क कर लेते हैं। सो 78.43 और ऊपर है 104.8। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पे देखने को। फिलहाल के लिए जो स्टॉक है वो हमारा जोन में चल रहा है, मैं 1 वीक टाइम फ्रेम पर आता हूँ, अभी तक हम लोग 1 मंथ में देख रहे थे। ऑलराइट,
सो यहाँ पर ये जो जोन है उसी के अंदर एक पुल बैक लेने की कोशिश हुई है। अब यहाँ पर देखने वाला जो लेवल वो कौन सा बनता है, वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है और फिबोनाच का भी लेवल है। ओके कौन सा लेवल है, इट इज़ लेवल बिटवीन 87.55 एंड फिबोनाच लेवल ऑफ 91.82। आप लोग प्लीज़ डायरी में नोट डाउन किया कीजिए जब मैं डिस्कस करता हूँ। तो नाउ वी नीड टू सी कि 91.82 से डिक्लाइन लेता है ओके और इस जोन के नीचे आता है। जोन के नीचे आकर के अगर डिक्लाइन लेता है देन उसके बाद अब कहानी शुरू होती है एक्यूमुलेशन पार्ट स्टार्ट करने की। ओके वापस आ जाते हैं 1 मंथ पे। ओके सो 1 मंथ पे आ गए हम लोग वापस। अब यहां पर डिक्लाइन के बाद इस जोन के नीचे मतलब 78.43 के नीचे अगर स्टॉक चलना शुरू करता है देन हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्यूमुलेट करना। कहां तक एक्यूमुलेट करना है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्यूमुलेशन विल बी दिस लेवल ओके इन साइड दिस जोन जो कि हमारा 51.88 से लेकर 65.85 के अंदर है। एक्यूमुलेशन हमें शुरू करना है एंड वी हैव टू एक्यूमुलेट टिल इट फॉर्म्स अ बेस एट द लेवल ऑफ 58.37 दिस लाइन। ओके 58.37 इट शुड एक्ट एट अ स्मॉल सपोर्ट और यहाँ से भी ये पुल बैक लेकर के फर्दर ऊपर जा सकता है। बट यहाँ से भी यदि डिक्लाइन होता है देन अनदर देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल विच वी नीड टू वॉच फॉर। ओके वो लेवल है हमारा यहाँ पे नीचे आकर के दिस फिबोनाच लेवल। ओके व्हाट इज द फिबोनाच लेवल, इट इज 37.90 का ये फिबोनाच लेवल है जिसे हमें वॉच आउट करना एंड फाइनली यहीं से स्टॉक अपना प्राइस एक्शन बनाते हुए फर्दर ऊपर जाएगा। यहाँ पर एक और एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि मैं आपको कॉल आउट करके दिखा देता हूँ, इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ओके विच इज दिस लेवल जो ये वाइट कलर का ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि जब फर्दर ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शुरू होगी तो दिस विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ से हमें एक किक मिलेगा विच इज द लेवल ऑफ 53.1। सो नोट कर लीजिएगा 53.1 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 53.10। ओके सो दिस इज टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल। आफ्टर दिस लेवल इज रिटेस्टेड दिस फिबोनाच लेवल 37.9 का ये लेवल है। ओके सो एक्यूमुलेशन के पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास, फर्स्ट द एक्यूमुलेशन पॉइंट इज दिस वन विच इज 58.37 जो कि 53.1 और सॉरी जो कि 51.88 और 65.85 की जोन के बीच में, वहाँ पे फर्स्ट हमें एक्यूमुलेशन करना है एंड फर्दर उसके बाद में यदि डिक्लाइन मिलता है देन विल बी एक्यूमुलेटिंग एट दिस लेवल ऑफ 53.10। ऑलराइट उसके बाद यहाँ से डिक्लाइन मिलता है देन फाइनल जो मैं एक्यूमुलेशन करना है फर्दर फॉर द थ्रस्ट मूवमेंट इट इज़ द लेवल ऑफ 37.90 शार्प जहाँ से हमें सारे रिपीट करता हुआ ये स्टॉक दिखेगा। ओके मैं यहाँ पे आपको इसे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि स्टॉक किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर सकता है एंड यस वंस अगेन कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है, द कॉन्टेंट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके सो यहाँ पर हैं अभी हम और यहाँ से यदि हमें डिक्लाइन मिलता है फ्रॉम दिस लेवल, अगर हमें 101.3 से डिक्लाइन मिलता है देन हम कहाँ फॉल कर सकते हैं, वील फॉल टू दिस लेवल ओके विच इज़ लेवल ऑफ 58.37। उसके बाद इस जोन से यदि रिजेक्शन लेता है या फिर नीचे आकर के भी रिजेक्शन लेता है, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ ओके यहाँ पे नीचे आकर के जोन से रिजेक्शन लेता है देन ये फॉल करते हुए हमें यहाँ पे आते हुए दिखेगा 37.9 तक। फिर उसके बाद जब ये प्रदर्शन फॉर्म करेगा उसके बाद ये धीरे धीरे हम इसको ऊपर आते हुए देख सकते हैं। एक फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। ऑलराइट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है एंड देन ये इसी जोन को जो हाई है 65.85 को इसी को बेस बनाते हुए फर्दर ऊपर की ओर जाना शुरू कर सकता है। ऑलराइट और ऊपर की ओर हमारा टारगेट रहेगा टू फॉर्म अ बेस एट दिस लेवल एंड दिस शुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट पर नेगा ऊपर जाने के लिए है। वो क्या होगा, वो होगा ये जिसे मैं अभी मार्क करने जा रहा हूँ आप सभी के समक्ष। ओके सो दिस लेवल विल फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फर्दर जो ऊपर हमें सिलेक्ट कराएगा। ओके एंड इट इज 151 का शार्प लेवल। आई होप आपको मेरे वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते होंगे, सूदिंग लगते होंगे, व्हाट वी से रिलैक्सिंग लगते होंगे
ओके, इसको भी मैं कॉल आउट कर देता हूँ बिकॉज मैं बहुत सिंपल बनने की कोशिश करता हूँ। मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं आर्टिफिशियली अपने चैनल को बूस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, समझें, उसके बाद ही हमारा काम आगे ग्रो करें। तो ये 151 का शार्प लेवल है। ओके, एक यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर एक कपन हैंडल बन सकता है। ओके, अब मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ। आई होप आपको ये पूरी एक जर्नी एक एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर हिल्टन। ओके, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। हमने फाइनेंशियल भी देखे जो कि फंडामेंटल्स में काउंट होते हैं, हमने टेक्निकल्स भी देखे जो हमने चार्टिंग देखी, इसमें एक हमने एनालिसिस की और एक ट्रेजेक्टरी भी बनाई कि ये पाथ फॉलो कर सकता है फर्दर स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम या फिर हो सकता है इस लेवल पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करें, उसके बाद हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिले। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर हिल्टन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9205902888 और यू कैन राइट टू मी ऑन avilaslife@gmail.com। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड यस, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल माइंड में रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।